दोस्तों वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज योर ग्रिप स्ट्रेंथ, क्योंकि बहुत से लोग हैवी डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं, डंबल या फिर बारबेल शक्स परफॉर्म करते हैं, या जब वो पुलअप्स लगाते हैं तो उनकी ग्रिप की पावर ना होने के कारण उनसे बारबेल या डंबल हाथों से छूटने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें वर्कआउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड उनसे अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाता। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस एंड एंड में डिस्कस करेंगे एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं जिससे कि उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली एक्सरसाइज आपको इस हैंड ग्रिपर की मदद से परफॉर्म करनी है। ये इक्विपमेंट आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, नहीं तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट ना सिर्फ हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, साथ ही हमारी फोरआर्म्स मसल को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि वो बड़ी होती है एंड हमारे फोरआर्म्स मस्कुलर दिखते हैं। इसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज है ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए, उसका नाम है डेड हैंग। दोस्तों ये एक नंबर वन बॉडी वेट एक्सरसाइज है हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आपसे जितनी देर हो सके आपको लटकना है। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको झूलना बिल्कुल नहीं है, आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं 3 सेट एंड आपसे जितनी देर हो सके आपको उतनी देर लटकने की कोशिश करनी है। इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है उसका नाम है प्लेट पिंच। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपने अकॉर्डिंग प्लेट को लेना है एंड अपने अंगूठों एंड उंगलियों की मदद से कुछ इस तरीके से प्लेट को पकड़ने की कोशिश करनी है। आपसे जितनी देर हो सके आपको प्लेट को पकड़े रखना है, जिससे कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइजेज है ये आपको हमेशा अपने वर्कआउट के एंड में परफॉर्म करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं उस कॉमन मिस्टेक के बारे में जो लोग करते हैं जिससे कि उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं हो पाती, वो है कि लिफ्टिंग स्ट्रैप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। दोस्तों दरअसल ये गलती मैं भी बहुत करता था, लेकिन मैंने इसे इम्प्रूव किया एंड उसके बाद से मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। सो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको लिफ्टिंग स्ट्रैप्स का जितना हो सके आपको उतना कम यूज़ करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस एंड एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं जिससे कि उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं हो पाती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे फिट।